नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक ईजी चैनल। में हूं शंकर, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल न्यू टेक ईजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब भी जानते हैं, हमारे चल रहे थे फोटोशॉप और हम सीख रहे थे तमाम मेन्यूज के बारे में, मेन्यूज के कुछ ऑप्शंस के बारे में। उन्हीं में जो अब आता है मेन्यूज का एक ऑप्शन ब्लाइंडिंग ऑप्शन, उसके बारे में आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में बताया था, ब्लाइंडिंग ऑप्शन का जो है टेक्स्ट पर यूज करना कि टेक्स्ट पर किस तरह से यूज किया जाता है, परंतु इसका एक काफी अच्छा इफेक्ट इमेज पर भी डलता है, जिससे आप एक इमेज का बैकग्राउंड काफी अच्छे से चेंज कर सकते हो। या फिर मल्टीपल कलर की आपकी कोई इमेज है तो उसका बैकग्राउंड तो नहीं चेंज कर पाओगे, पर उसको एक अच्छा खासा बहुत ही प्यारा इफेक्ट आप उसको दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगने वाला इफेक्ट आप उसको दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगने वाला इफेक्ट आप उसको दे सकते हैं, जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क में काम आता है। और या फिर नेचर के लिए जो प्राकृतिक दृश्य हम तैयार करते हैं उनमें ये ऑप्शन काफी काम आने वाला है और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देखिए इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल न्यू टेक ईजी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में एक छोटा सा नन्ना सा बेल यानी घंटी का आइकन, उसको दबाना ना भूलिए, जिससे क्या होगा कि दोस्तों आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप देख सकते हैं हमारे वीडियो सबसे पहले। तो आप यदि इस फोटोशॉप सीरीज के जो सारे अध्याय है सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दी है, वहां पर जाकर क्लिक करके आप इसके बारे में सीख सकते हैं। और आप इस चैनल पर सभी के सभी कोर्सेज फ्री में कर सकते हैं, आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, और सभी सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी यहाँ ले सकते हैं, डिटेल से आप पार्ट वाइज पार्ट करके देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं फोटोशॉप में। तो फोटोशॉप में अभी हम है, और इस तरह से यहाँ पर एक वाली ये इमेज है, और एक ये इमेज है, एक ये इमेज हो, और एक ये इमेज है, और एक ये इमेज है। इन्हीं सभी पर मैं आपको इफेक्ट डालकर बताऊंगा कि क्या ब्लाइंडिंग ऑप्शन का यूज है। ये लाइट्स वगैरह आप देख रहे हैं, ये भी फोटोशॉप से क्रिएट की हुई है। ये बनाना मैं एडवांस सीरीज में सिखाऊंगा किस तरह से आप इस तरह की लाइट्स बना सकते हैं, इस तरह की लाइट्स कलरफुल लाइट्स बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी जो डिस्को वगैरह में दिखते हैं उस तरह की लाइट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे सीखते हैं। माफी चाहूंगा दोस्तों, यदि आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, आज थोड़ी तबीयत खराब है, गला थोड़ा खराब है, जैसे कि पिछले वीडियो में भी कहा था, अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हुई है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ब्लाइंडिंग ऑप्शन का यूज करने के लिए मान लीजिए ये वाली इमेज है, हम सिंपली इसको ड्रैग करके मूव टूल की सहायता से और इस बैकग्राउंड को लेकर जाते हैं और इसका बैकग्राउंड चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब इस ऑप्शन के यूज से होता क्या है, इस ऑप्शन के यूज से होता है कि और इमेज में हमें बैकग्राउंड चेंज करना होता तो हमें इमेज को कट करके ले जाना होता, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे कि इमेज को ले जाकर हम डायरेक्ट छोड़ देंगे, और छोड़कर उसका जो बैकग्राउंड है वो उसको कट कर देंगे, उसको बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे, और बैकग्राउंड को रिमूव करके एक अच्छी खासी हम इमेज तैयार कर लेंगे। बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हम इसमें दिखा पाएंगे और बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी हम इसमें वर्क कर पाएंगे। और ब्लाइंडिंग ऑप्शन का जो और यूज है वो हम इसमें देखेंगे, लेकिन ब्लाइंडिंग ऑप्शन को यूज करते समय आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपकी जो इमेज है वो व्हाइट बैकग्राउंड पर होनी चाहिए या फिर ब्लैक बैकग्राउंड पर होनी चाहिए। इन दो बैकग्राउंड पर होगी तो आप बैकग्राउंड रिमूव कर पाएंगे, लेकिन अदर यदि मल्टीपल कलर में है तो इफेक्ट तो डालता है लेकिन बैकग्राउंड चेंज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ दो पर इफेक्ट डालता है, लाइट और डार्क जो ऑप्शन है इसमें है, इसलिए तो आप या तो व्हाइट रखिए या ब्लैक रखिए। अभी मैं बताऊंगा व्हाइट पर कैसे काम करता है और ब्लैक पर सेम काम करता है, थोड़ा सा चेंज होगा तो मैं बता दूंगा आपको, वो करके देखना है। तो चलिए दोस्तों अब सीख देते हैं। अब यहाँ से इस ऑप्शन पर आने के बाद आपको क्या करना है, इसको मूव करके लेकर आना और इसको इस तरह से रिसाइज वगैरह करके देख लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ इसको कुछ नहीं करना, यहाँ से जो आप देख रहे हैं ये वाली लेयर, इसकी जो सेम इस पर जो ये वाला ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल वाला ऑप्शन आ रहा है, ये इसका जो ब्लाइंडिंग ऑप्शन का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहला जो नॉर्मल है, उसके बाद में जो डार्कन, तो यहाँ पर डार्कन से संबंधित सारे के सारे इसके टूल्स है, यहाँ पर लाइटन, तो लाइटन से संबंधित इसके सारे के सारे जो रिलेटेड है वो टूल्स है और ऑप्शन है सॉरी, और यहाँ पर ओवरवे से है तो यहाँ से ओवरवे से रिलेटेड सारे के सारे ऑप्शन है, और यहाँ से जो और डिफरेंसेज है तो डिफरेंसेज से सारे टाइप्स के सारे यहाँ से यहाँ तक के है, और यहाँ से यूके है तो यूके संबंधित यानी कलर्स वगैरह है, कलर से संबंधित जो यहाँ पर है इस तरह से। तो इसको जो व्हाइट बैकग्राउंड हो तो हम क्या करेंगे, डार्कन पर क्लिक करेंगे, यदि ब्लैक बैकग्राउंड हो हमारी इमेज का तो क्या करेंगे हम लाइटन पर क्लिक करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर व्हाइट है तो डार्कन पर क्लिक करेंगे, जस्ट थोड़ा उल्टा चलना। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आप देखोगे इसका जो डार्कन था वो इस पर इफेक्ट डाल चुका हो, और इससे क्या होगा कि यदि आप इस इमेज को डार्क प्लेस पे लेके जाओगे थोड़ा बहुत भी, ये देखिए तो जो इसकी सीढ़ी है वो बैकग्राउंड की वो डार्क है, तो इस तरह से डार्क में जो है पारदर्शी ट्रांसपेरेंट में दिखाई दे रहा है, और यदि हम इसे लाइट में लेकर चलते हैं देखिए इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर आप कमर का कलर देख रहे होंगे बिल्कुल सेम एज इट इज दिखाई देने लग जाता है इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैं इसको लेकर गया तो जो पेड़ के पत्ते बीच में आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो है लाइट एरिया नहीं है,
लाइट में जहां पर एरिया होगा ये वहां पर दिखाई देने लग जाएगी इस तरह से। चलिए इसको यहीं पर रहने देते हैं। और अब इसके जो एरिया है यदि आप चाहते हैं इसे भी दिखाना अच्छे से, तो क्या करना होगा आपको, सिंपली कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है, यहां से आपको जो है डुप्लीकेट लेयर बनानी है। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और डुप्लीकेट बना लेंगे, या फिर ऑप्शन पर जाकर यहाँ से इस डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए कंट्रोल जैसे हमने बना दिया, शॉर्टकट्स का ज्यादा यूज करना। उसके बाद में आपको सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो आपको नीचे दिख रहा है, मैंने जैसे कि पहले पिछले अध्याय में बताया था मास्क टूल का यूज क्या होता है, मास्क टूल, यहाँ पर आपको मास्क टूल क्रिएट कर लेना है। मास्क टूल क्रिएट करते ही आपको क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कंट्रोल आई की सहायता से आप क्या करेंगे, इसको जो है ब्लैक मोड में ले आएंगे। यहाँ से देखिए कंट्रोल आई की सहायता से ब्लैक मोड में लेकर आ गया, इसका मतलब इसका कलर जो है ब्लैक में कर लिया। यदि क्यों करते हैं इस तरह से, तो इसका जो है मास्क टूल वाले में मैंने बताया था, अभी यदि आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो डायरेक्ट समझ लीजिए ब्लैक करना है इसको आपको। उसके बाद में क्या करना है, जस्ट हमें क्या करना है, इसको जो है उल्टा कर देना है। यहां से है इसको आपको क्या करना है, उल्टा कर देना है। लेकिन उल्टा करने से पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा, यहाँ पर जहां पर हमने डार्कन किया था वहां पर नॉर्मल करना है। ये वाला ऑप्शन मैं पहले भी भूल चुका हूँ, तो 2-3 दिन मेरे को प्रॉब्लम आई थी जब मैं सीख रहा था, आज से 2015 की बात है, तब बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी इस पर, क्योंकि मैं ये करना भूल जा रहा था बार बार में इस ऑप्शन में। ये इस बात को याद रखिएगा, फिर कहोगे वीडियो फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस तरह से देखिए यहां से आपको क्या कर लेना है, इस पर क्लिक करके चेंज कर लेना है, या फिर कलर पर मोड पर जाकर कलर को चेंज कर लेना है। यहां से आपको इस पर क्लिक कर लेना है, और क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली जो है क्या लेना है, ब्रश टूल लेना है। ब्रश टूल के यूज के लिए मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप देख लीजिएगा सारे के सारे टूल्स, तो जो कि हमने सिखाई दिए पूरे के पूरे। और इस तरह से देखिए आपको क्या कर लेना है, इसे रिमूव कर लेना है इस तरह से। इस तरह से सारा की सारी जो ट्रेस है वो फिर से आ जाएगी इस तरह से, इस तरह से। आप देख रहे होंगे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा निकल रहा है, उसको भी हम रिमूव कर देंगे, अभी उसकी टेंशन ना लीजिए आप। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है इस तरह से। और इस तरह से आपको क्या करना है, इसको रिमूव कर देना। उसके बाद में ये देखिए थोड़ा थोड़ा व्हाइट आ रहा है, यार क्या करिए, तो व्हाइट वाला भी दिखाई दे रहा है यार, ये तो प्रॉब्लम होगी। चलिए प्रॉब्लम की कोई बात नहीं, सोल्व करते हैं आइए। तो सोल्व करने के लिए आपको क्या होगा, मास्क टूल का यदि आप अच्छे से यूज जानते हैं तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर से क्लिक करना है और ब्लैक वाले को फोरग्राउंड बैकग्राउंड में लाना है, और जो व्हाइट वाला है उसको बैकग्राउंड में लेकर चलना है। तो इस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक करते देखिए वो फोर बैकग्राउंड में आ गया, ये बैकग्राउंड में चला गया। और क्या करते हैं, अब इस पर वापस क्लिक करते हैं। ये वाली बात आपको यहाँ से समझ में नहीं आ, तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप इस पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यदि व्हाइट सिलेक्ट करने को मैं पिछले वाले में कहा था, यहाँ पर व्हाइट करना है, लेकिन बैकग्राउंड में आपको क्या करना है, फिर ब्लैक करना है, उल्टा चलता है। ये देखिए अब क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है, रिमूव करना है इस तरह से, इस तरह से देखिए रिमूव करते हुए आपको चलना है इस तरह से, इस तरह से आप रिमूव करते हुए चलिए। मैं ज्यादा बारीकी से नहीं बताऊंगा, फालतू में मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता, आप समझ जाओ, मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ। और इस तरह से हम बारीकी से जो इसको लेकर आएंगे और इस तरह से हम रिमूव करते हुए चलेंगे, बहुत ही बारीकी से आप इसे कर लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही फास्टली हो जाएगा। थोड़ा सा आपको जो है जूम करके इसे करना है, तो क्या होगा कि अच्छे से रिमूव हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा इस तरह से। देखिए इस तरह से रिमूव हो गया, और ये इमेज देखिए काफी बैकग्राउंड में मिलती हुई अच्छी लग रही है। और आप इसे कंट्रोल टी प्रेस करके देखिए बहुत ही अच्छे से दिखा सकते हैं, बहुत ही अच्छी दिखाई देने लगी। सॉरी ये जो लेयर है वो डुप्लीकेट है, तो आपको पहले इसकी जो है डिजाइनिंग जो है देनी होगी। यदि आप इसको अब लेयर को, यदि आप डुप्लीकेट लेयर को डिलीट करेंगे तो पूरा वीडियो जो है, सॉरी इमेज जो है आपकी खराब हो जाएगी। तो इसको इस तरह से रहने दीजिए, कंट्रोल एल्ट जेड कर देता हूँ मैं भी, सॉरी कंट्रोल जेड फिर से कर देते हैं, इस तरह से आपको रहने देना है। और यदि आप देखिए, अब आप ये कहोगे कि यार पिछले वाले लेयर से रख रहे, तो आप ये दिमाग लगाने की कोशिश ना करें कि इस लेयर को यार डिलीट कर देते हैं, यहाँ से आपने किया, चलिए डिलीट करके भी देख लेते हैं। और जैसे आप डिलीट करोगे देखिए कटा हुआ भाग अंदर आ जाएगा, तो आपको डिलीट नहीं करना है, कंट्रोल एल्ट जेड फिर से कर देते हैं, और इस तरह ही आपको रहने देना है। और काफी अच्छी इमेज लग रही है बैकग्राउंड में चेंज, तो इसको थोड़ा सा क्रॉप करके देख लेते हैं कितनी अच्छी लगती है ये, क्योंकि बैकग्राउंड काफी ज्यादा है और ये काफी कम है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए और इसको क्या करते हैं, एंटर कर देते हैं। ये देखिए काफी अच्छी इमेज जो आपको दिखाई दे रही है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट इफेक्ट में डाल के बताता हूँ, यदि आपके पास ये इमेज ब्लैक बैकग्राउंड में है तो आपको कुछ नहीं करना, ये सारा का सारा ये काम यही करना है। बस क्या करना होगा, या आपको यहाँ से जब आपने नॉर्मल मोड सिलेक्ट किया था उसको क्या करना होगा, आपको लाइटन करना होगा। यहाँ से जब मैंने ब्लैक करने को कहा था तब व्हाइट करना है, और तब व्हाइट करने को जब मैंने कहा था वहां पर तब आपको ब्लैक करना है, और डार्कन की जगह लाइटन सिलेक्ट करना है। इसके लिए तो मैं आपको लक्ष्य ऑप्शन उदाहरण देकर नहीं बताऊंगा ब्लैक का, क्योंकि फिर वीडियो काफी लंबा चला जाएगा, आप खुद करके देख लीजिएगा। उसके बाद में सॉरी फोन आ गया, एक मिनट। हाँ उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको
इसको ड्रैग करके लेकर चलना है और किसी और इमेज पे ले जाकर मैं आपको देखता हूँ, ये वाली नहीं है, ये वाली है, और इसका पर इफेक्ट डालकर देखते हैं। इसको कंट्रोल टी फ्रेस करके क्या करेंगे हम, साइज रिसाइज कर लेंगे अच्छे से। इस तरह से मैं करके दिखा देता हूँ आपको, और इमेज की साइज में जस्ट आप ले लीजिए, काफी अच्छी लगेगी इस तरह से। और इसको आप क्या करेंगे, एंटर कर दीजिए, और एंटर करने के बाद में क्या होगा, अब इस पर हम बहुत सारे इफेक्ट डाल सकते हैं। मान लीजिए ये वाला, सॉरी, यहाँ पर हम नॉर्मल से चलेंगे, और यहाँ से आप बहुत सारे जो है ऑप्शन डाल सकते हैं। जैसे सबस्ट्रैक्ट का जैसे ऑप्शन डाल दे तो देखिए काफी अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ से इसकी जैसे ओपेसिटी कम करेंगे तो आप और अच्छा एग्जाम्पल देखिए इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली ये इफेक्ट उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको क्या करना है, इस बैकग्राउंड को लेयर बनाना है। लेयर बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको इस पर डबल क्लिक कर देना हो, और इस तरह से जीरो लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। और इसको क्या करना है, आपको ऊपर लेकर चलना है, और इसको आपको क्या करना है, नीचे लेकर आ जाना है इस तरह से ड्रैग करके। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरह से लेयर आ चुकी, और उसके बाद में आपको क्या करना है, इस लेयर पर चलना है आपको, और इस लेयर पर चलने के बाद में आपको इस पर इफेक्ट डालना है। सॉरी, यहाँ से नॉर्मल वाले पर जाकर आपको, अब देखिए वही मैं इफेक्ट इस पर डालता हूँ, तो देखिए काफी अच्छी लग रही है, और इसकी ओपेसिटी जो है मैं थोड़ी कम करके आपको दिखाता हूँ कितनी अच्छी इमेज लगेगी। इस तरह से देखिए आप इसका इफेक्ट काफी अच्छा डाल सकते हैं इस तरह से। यदि आप जो है इस इमेज को यहाँ से मुंह वगैरह से हटाना चाहते हैं, तो क्या होगा कि आप यहाँ से क्या करना है, आपको मास्क क्रिएट करना है, और मास्क क्रिएट करने के बाद में ब्रश टूल्स के यूज करके मुंह से आप हटाना चाहिए तो हटा सकते हैं। और भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसका यूज करके देखता हूँ, तो देखिए अलग अलग इफेक्ट देता है, तो आप ये सब यूज करके देखेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए इस तरह से। देखिए और दूसरा कोई ऑप्शन यूज करके देख लेते हैं, जैसे ह्यू का मैं देखता हूँ तो इस तरह से आ जाता है, और थोड़ा बहुत मैं आपको और बता देता हूँ, और यहाँ पर देखता हूँ तो इस तरह से आ जाता है। आपकी ओपेसिटी कम वगैरह करेंगे तो ये और भी अच्छे से दिखेगी, इस तरह से आ जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे आप इफेक्ट देख सकते हैं। चलिए एक और इफेक्ट इसको देख लेते हैं, किसी दूसरे बैकग्राउंड में चलकर। मान लीजिए मैं कोई और बैकग्राउंड ओपन करके आपको थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ, और चलिए बैकग्राउंड ले लेता हूँ मैं कहीं से, मेरे पास अभी बैकग्राउंड तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे, फिर भी देखता हूँ कुछ अवेलेबल हो तो, और मैं देख लेता हूँ यहाँ पर मेरे पास कुछ बैकग्राउंड मिल सकते हैं, और मैं बैकग्राउंड पर चलता हूँ। यहाँ से मान लीजिए कोई भी बैकग्राउंड ले लीजिए आपकी पसंद का, या फिर कोई भी जो आपके पास बैकग्राउंड है वो वाला बैकग्राउंड ले लीजिए, और मैं ये वाला बैकग्राउंड, सॉरी, ये मान लीजिए मैं ये वाला बैकग्राउंड लेता हूँ, मुझे इसका ही काफ़ी पसंद है तो इसलिए ये वाला ले लेता हूँ। और अब उस इमेज को देखिए लाकर आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से आप इसके ऊपर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा वाला इफेक्ट इस पर क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा इफेक्ट आप क्रिएट कर सकते हैं। सॉरी, वो इमेज यहाँ पर थी, और मान लीजिए इस इमेज को मैं इतना ही रहने देता हूँ, और इतना ही रहने देने के बाद में आपको क्या करना होगा, अब इस पर थोड़ा सा देखिए कंट्रोल टी फ्रेस करके इसको भी थोड़ा साइज रिसाइज कर लेते हैं, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे मेरे को। इस तरह से मैं इसको कर लेता हूँ, इस तरह से कर लेता हूँ, और इस थोड़ा सा जो है ऊपर ही कर लेते हैं ताकि आसमान पर ही, और इसको थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं, और अब इसको नीचे इस तरह से टेक लेते हैं, और इसको यहाँ से एंटर कर देते हैं। और अब इस पर इफेक्ट डालकर देखता हूँ क्या क्या इफेक्ट जो है मुझे देता है। और इस तरह से देखिए यहाँ से फिर से करते हैं, और यहाँ से देखिए इस तरह से इफेक्ट डालता हूँ, तो देखिए कितना प्यारा सा इफेक्ट आपको दिख रहा होगा। और इस तरह से देखिए ओपेसिटी जैसे आप कम करके देखेंगे तो देखिए आसमान में छिपी हुई एक इमेज की तरह आप देखिए काफी अच्छा इफेक्ट डाल सकते हैं इस पर इस तरह का। चलिए और सारे देख करके देख लेते हैं, और मान लीजिए ये वाला मैं कलर करके देखता हूँ, और ये मान लीजिए ये वाला हार्ड मिक्स का कलर करके देखता हूँ, तो देखिए हार्ड मिक्सिंग हो रही है इसमें से, और इसकी ओपेसिटी काफी कम है, तो आप यहाँ से ज्यादा करके देख लीजिए, कम करके देख लीजिएगा तो इस तरह से। और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर मैं कलर का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरह से कलर में हो जाएगा, कलर का अच्छा नहीं लगेगा लेकिन इस पर। और उसके बाद में मान लीजिए डिफरेंसेस का आप करते हैं तो डिफरेंसेस में भी काफी अच्छा इफेक्ट देख सकते हैं। और उसके बाद में आप विड लाइट का करते हैं तो ये देखिए ये इफेक्ट तो और भी अच्छा दिखाई दे रहा है। इस तरह से इफेक्ट बहुत सारे इमेज पर बहुत सारे इफेक्ट अच्छे लगेंगे, किसी पर कोई सा अच्छा लगेगा तो किसी पर कोई सा अच्छा लगेगा। इस तरह से आप ये देखिए इफेक्ट कितना प्यारा इफेक्ट आपके सामने दिख रहा होगा, इस तरह से आप इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात के लिए दोस्तों माफी चाहूंगा कि आपको थोड़ा मैं स्पीडली खींच रहा हूँ, क्योंकि ये जो सीरीज है काफी बड़ी है, 3 महीने का जो कोर्स है मुझे कंप्लीट जल्दी करवाना है, तो थोड़ा सा जो है स्पीड से ले रहा हूँ ताकि वीडियो बड़ा ना हो और आप बोर ना हो। तो बोर तो आप प्रैक्टिस करते जाइए और सीखते जाइए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।